जनाब बुल्ले शाह कहता है तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, और गुलजार कहता है चल छैया छैया छैया। ख़वातीन हज़रात, गुलजार जो हैं वो पंजाबी हैं, सिख हैं, लेकिन शागिर्द होते हैं बिमल राय के, महान डायरेक्टर थे, दो बीघा ज़मीन वाले। उसके बाद शादी करते हैं राखी से, वो भी बंगाल की एक ऐसी शायरा जिसकी बहुत धूम थी, बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा थी। चुनाचे ये सब इनहेरिटेंस जो था बंगाल का और पंजाब का, वो गुलजार के हिस्से में आया। वो कहते हैं ना कि नशा बढ़ता है तो शराबों में शराबें मिले, तो उसका गुलजार की खासियत ही ये है कि वो मुख्तलिफ कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और उनको ओन भी करता है। मसलन अभी ये जो छैया छैया वाला गाना आपने सुना, उसमें नोट कीजिए कि मुस्लिम सकाफत की कितनी निशानियाँ हैं। मसलन मेरा कलमा कलमा, उसके बाद वो आयत का तस्करा करता है, फिर कहता है कि पहनूँ तुझे तावीज़ की तरह। हमारी बदकिस्मती ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी ज़ुबान में जो बहुत से बहुत खूबसूरत लफ्ज़ थे हिंदी के, संस्कृत के, वो खारिज हो गए। हमारे जो आप देख लें कि पंजाबी शोराएँ ख़ास तौर पे और सिंधी भी जो सूफी शोराएँ, बुल्ले शाह को आप देखिए, आधे से ज़्यादा कलाम में आपको वो तमाम तर लफाजी मिलेगी जो हम मतरूक कर चुके हैं, और उसी से वो खूबसूरत चीज़ बनती है। तो दूर क्यों जाना, मियाँ मोहम्मद साहब ने कहा कि लोए लोए पर लै कुड़िए जे तो पांडा परना, तो शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जाती ने डरना। ये कौन सा शाम, राधे शाम वाला। जैसे गुलजार जब का जो पहला गाना हिट हुआ था वो था कि मेरा गोरा रंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, यानी मेरा गोरा रंग ले लो और मेरा महबूब जो है शाम मुझे उसके रंग में रंग दो। और शाम साहब जो थे वो ज़रा हमारी तरह मुश्किल रंग के थे, लेकिन महबूब तो यही चाहता है ना, जिस तरह नूरजा ने भी कह दिया कि काला शाह काला और गोरियां पला करो, तकरीबन वही अलामते हैं। तो ये जो रंग में रंग देना है, ये रंगरेज जो है ये बड़ा अहम इशारा है। सभी उसकी मेहनत समाजित कर रहे हैं, तो मुझे रंग दे बसंती रंग दे, और कोई कह रहा है कि मुझे फलां के रंग में रंग दे, और खुसरो ये कह रहा है कि रंग दे निजामुद्दीन औलिया के रंग में रंग दे। तो कहने का मतलब ये है कि गुलजार ने ये सारा कुछ इनहेरिट किया और हम तक पहुंचाया। और सबसे अहम मेरा ख्याल है जो फिल्म बनी प्लेटफॉर्म के हवाले से, ट्रेन के हवाले से, वो थी इजाज़त। मेरे पास मंजरनामा है फिल्म इजाज़त का, और सीन नंबर एक, मुसलसल मूसलाधार बारिश, पहाड़ों में से गुजरती हुई एक रेलगाड़ी किसी लंबी दास्तान की तरह बहती चली जा रही थी। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई, ना जाने क्यों दिल भर गया, ना जाने क्यों आंख भर गई। उसके बाद कुली सलाम करके चला गया, कैरेक्टर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे और वेटिंग रूम में, और इसमें एक डायलॉग ये भी है कि ये ज़िंदगी भी तो वेटिंग रूम है, यानी हम अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे याद आता है कि मेरे वालिद साहब के एक चचा थे तो बहुत ज़ईफ़ हो गए, तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा बेटा बात ये है कि टिकट ले लिया है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, गाड़ी आएगी तो बैठ के चले जाएंगे। चुनाचे रेलगाड़ी जो है वो फना का भी एक इशारा है, कूच का भी, रुखसत का भी, ये तमाम इशारे प्लेटफॉर्म में और ट्रेन में। चुनाचे इस फिल्म के लिए एक गाना लिखा उन्होंने गुलजार ने, और वो लाख चाहें तो उसकी शोहरत इतनी है कि उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, उससे बड़े बड़े कमाल की चीज़ें उन्होंने लिखी। और आप जानते हैं कि स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए जब उन्होंने जय हो लिखा तो उनको एकेडमी अवार्ड मिला, ए आर रहमान को भी म्यूज़िक पे, गुलजार को गीतकारी पे, और मेरा ख्याल है कि बरसगीर में वो पहले शख्स हैं, पहले शायर हैं जिनको एकेडमी अवार्ड के से नवाजा गया। और वो गाना कौन सा था आप उससे वाकिफ होंगे, कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास हो, सावन के कुछ भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो।
और ये लंबी नज़म है जो माया उसको लिखती है कि 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दो, सब भिजवा दो। ये गुलजार साहब ने जब लिखा तो कहा जाता है कि बर्मन साहब के पास ले गए, तो बर्मन ने इसको पढ़ा। इस किस्म की पोइट्री पहले फिल्म में आई नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई ये गीत से ज़्यादा लगता है कि तलाशे गुमशुदा के इश्तहार है, जो मतलब कि टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी अखबार में दे, ये फिल्म में कैसे आ सकता है। तो बाहर तौर उसकी धुन बनी और बर्मन था बनाने वाला और आशा भोंसले ने गाया और ऐसा गाया कि कमाल कर दिया। मैं समझता हूँ कि नज्म गाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, और इस तरह की आज़ाद नज्म इसमें आई फील कि आशा भोंसले ने ये गाया, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, तो उधर नैरा नूर ने जो गाया अहमद शमीम का नाम, हमें तितलियों के देश जाना है हमें माथे पे बोसा दो, वो भी कमाल की थी। यानी अगर नज्म गाने में कोई हो यानी कह सकते हैं कि मुकाबला, तो मेरा ख्याल है कि शायद नैरा बहुत आगे निकल जाएंगे। बहरहाल नैरा के बारे में फिर बात करेंगे, हम उनको याद बहुत करते हैं, अभी रिसेंटली वो हमसे बिछड़ गई। स्टेशन आ गया है तो रुकना पड़ेगा। जी वो सीटी बज गई है, चलिए। ख्वाजा नजरात मन्नू भाई से आप वाकिफ होंगे, मन्नू भाई से कौन वाकिफ नहीं है। अहमद नदीम कासमी साहब ने, मुनीर अहमद कुरैशी उनका नाम था, लेकिन मुनीर अहमद कुरैशी के बजाय उनका नाम मन्नू भाई अहमद नदीम कासमी ने रखा। और एक दफ़ा मन्नू भाई से पूछा गया कि मन्नू भाई आपकी बेगम बहुत उम्दा खातून, वो भी आपको मन्नू भाई कहती। तो मन्नू भाई कहने लगे कि पहले कहती थी, अब समझती भी है। तो मन्नू भाई ने हमारे लिए बहुत शानदार ड्रामे लिखे, जोक सियाल सबको याद है, उसको अडॉप्ट किया, सोना चांदी उनका मिजाइया जो है, उसके बाद और इंडिपेंडेंट ड्रामे बहुत सारे उनके नाम आते हैं। उनमें एक जो मुझे किसी हद तक याद है वो था प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म सारा जाहिर है कि उसका रेफरेंस ही प्लेटफॉर्म था, क्योंकि मन्नू भाई के जो वालिद थे वो रेलवेज में थे, शायद स्टेशन मास्टर थे या किसी और पोस्ट पर थे। चुनांचे मन्नू भाई का बड़ा वसी तजर्बा था ट्रेन्स का, और सारा वज़ीराबाद के रहने वाले थे। तो वज़ीराबाद के हवाले से एक और मेरी याद है, वो याद ये है कि भई हमारी खाला जान रहती थी, लवेली वाला एक गांव था वज़ीराबाद के करीब। तो हम वज़ीराबाद उतरते और वहाँ एक नाला पलखू था, पता नहीं अब खुश्क हो गया है या है, उसका पुल मौजूद है, उसको पार करते थे। तो उसके बाद आगे घोड़ियाँ तैयार होती थी और तो ट्रांसपोर्ट होती नहीं थी, उन पर हम सवार होकर लवेरी वाला जाते थे। मुझे याद है कि मैं 3-4 दिन वहाँ रहा, और वो बचपन से यही आदत है कि पढ़ने पढ़ाने की, तो कोई रसाला कोई किताब नहीं थी, तो मैं इजाज़त लेके पैदल वज़ीराबाद आया और स्टेशन पर आया। स्टेशन पे वज़ीराबाद के मेरा ख्याल है कि जो पूरा खित्ता था उसमें बेहतरीन किताबों की दुकान वज़ीराबाद के स्टेशन पर थी। इसकी क्या वजह थी मुझे नहीं मालूम। रज़िया भट्ट भी वज़ीराबाद की रहने वाली थी। तो वहाँ पे मुझे चचा सलीम तारड़, जो साबिक सदर थे रफ़ीक तारड़ साहब, उनके बड़े भाई हमारी अजीज़दारी थी, वो मिले। उन्होंने मुझे ढेर सारे रसाले और किताबें दी जो मैं लेकर गया वापस। रेफरेंस यहाँ ट्रेन का कहाँ से आएगा? ट्रेन का इस तरह आएगा कि जो पलखू का पुल है, और पलखू के बारे में मशहूर है कि एक ज़माने में एक पूरी ट्रेन थी जो स्लिप हुई वहाँ से पुल से, और वो पलखू में गिरी, और वो आज तक दस्तयाब नहीं हुई। उनका कहना था कि वो इतनी गहरी थी, गहरा था नाला। कुछ बुज़ुर्गों से मैंने दरियाफ्त किया, उन्होंने पूरी ट्रेन तो नहीं, एक आध डब्बा गिरा था और वो वाकई नहीं मिला था। अच्छा, वज़ीराबाद जंक्शन था, उसका एक और बड़ा अहम हवाला है। अल्लामा इकबाल जा रहे थे कहीं, रात के वक्त वहाँ पर पहुँचे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, हुक्के की तलब हुई, तो इलाही बख्श को कहा कि भाई कोई हुक्के का बंदोबस्त हो सकता है,
उनका सर इस वक्त रात के इस पहर यहाँ का, तो वहाँ पे एक कुली सोया हुआ था। उसके बाद उसका पुराना सा जैसा भी हुक्का होता है, छोटी सी हुक्की थी, वो फिर उन्होंने ताज़ा किया और उसके बाद उसके कश लगाए, तो फिर अल्लामा इकबाल बहाल हुए। ये उनकी बायोग्राफी में भी दर्ज। अच्छा, कुलियों के हवाले से अगर बात की जाए, और क्योंकि बात ही ट्रेनों की हो रही है, प्लेटफॉर्म्स की, तो मैं भी एक ज़माने में कुली हुआ करता था। जी हाँ, बाकायदा, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मेरा एक सीरियल था, एक हकीकत 100 अफसाने, और उसमें मैं जर्नलिस्ट का किरदार अदा करता था, तो मुख्तलिफ मैं रूप भी बरता था ताकि लोगों के बारे में, उनकी मसाइल के बारे में जान सकूँ। तो कुली मैं बना ताकि देखूँ कि कुलियों का क्या मसाइल हैं। तो वो सारा जो ड्रेस था वो पहना और बाहर स्टेशन पे हम बैठ गए बाकी कुलियों के साथ। अच्छा, बाकी किसी ने मुझे पहचाना नहीं, मैं बिल्कुल उनमें मतलब जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल रद मिल गया। अब मैं वहाँ से उठा हूँ, कोई साहब आए हैं अपना सामान लेके, वो हमारे ही एक एक्स्ट्रा थे, उन्होंने कोई खाली संदूक उठाया कि कुली चलोगे, मैं कहा जी, वो मेरे सर पे रख देते। अब मैं वो सर पे उठा के जा रहा हूँ लाहौर के प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर मेरा ख्याल 2 था। अब वो कैमरा भी ऑन चल रहा है और यकदम सामने से एक बुज़ुर्ग से कुली आए, उन्होंने गौर से मेरी तरफ़ देखा। उसके बाद उन्होंने मेरे बाजू पे जो बंधा हुआ था पीतल का नंबर होता है कुलियों का, वो देखा, कहने लगे, ओए तेरा तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, उस तुम क्यों उठा के ले जा रहे हो सामान, ये तो हमारा सामान है। अच्छा, मैं अब इशारे कर रहा हूँ कि बाबा जी शूटिंग हो रही है, जाने दें, सीन दोबारा करना बड़ा मुश्किल, बाबा जी बाज ही नहीं आ रहे। फाइनली फिर वो मैंने संदूक नीचे रखा और उसको कहा कि भाई मैं अदाकार हूँ, मैं सचमुच का कुली नहीं। चुनाचे वो आर्जी तौर पे जब मैं कुली बना तो मुझे एहसास हुआ, वो खाली संदूक भी जो मैंने उठाया है, मैं बता नहीं सकता कि वो कितना भारी, और इतना ज़्यादा सामान उठाते थे कुली, और उनके पास कोई चारा नहीं था और कोई रोज़गार नहीं थे। मुझे नहीं मालूम कि आजकल उनकी क्या हालत है, लेकिन मुझे हमेशा जब भी मैंने सफ़र किया ट्रेन का, मुझे सख्त बुरा लगा जब मैंने किसी बहुत ही बुज़ुर्ग कुली को अपना सूटकेस दिया और वो उठा के चला जा रहा। एक दफ़ा फिर लौट चलते हैं फिल्मों की जाने। मेरा एक पसंदीदा गाना भी है, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से फिल्माया गया है, क्योंकि उसके साथ साथ ट्रेन चली जा रही है और गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी। आपको याद होगा कि जो बहुत हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, उसका भी इख्तिताम एक रेलवे स्टेशन पे हुआ था, और वो डायलॉग क्या थे जब वो कहता है रुक रुक, और वो काजल रुक के देखती है, तो वो मंजर भी ज़रा सी उसकी झलकियाँ देख लें। अच्छा, एक और फिल्म मेरे जहन में आती जिसमें ट्रेन दिखाई तो जाती है, लेकिन ओवरऑल उसकी सीटी जो है ट्रेन की, वो डोमिनेट करती है पूरे सिनारियो को, और ये है पाकिज़ा फिल्म कमाल अमरोही की। मीना कुमारी उसमें थी और उसमें ट्रेन का बहुत मरकजी किरदार था, वो ख्वाब में भी आती है और सारा कुछ, और कमाल की फिल्म थी, और यानी कमाल अमरोही की थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमाल की फिल्म थी। और यहाँ पे तज़किरा फिर गुलजार साहब का आ जाएगा जब मीना कुमारी का जिक्र छिड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अकीदत रखते थे मीना कुमारी से, शी वॉज़ अ वेरी रिलीजियस लेडी, और शायरा बहुत अच्छी थी। एट टाइम्स गुलजार कहते हैं कि मैंने उनसे शायरी सीखी। तो पिछले रमज़ान में फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा गुलजार साहब मैंने सुना है कि आप रोज़े भी रखते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि एक दफ़ा मीना कुमारी बीमार हुई तो वो रोज़े नहीं छोड़ रही थी, और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ था कि रोज़े नहीं रखने, आपने ये दवाइयाँ खानी हैं वरना आपकी सेहत को खदशात लाक हो सकते हैं, आप मर भी सकती हैं। लेकिन मीना कुमारी ने कहा कुछ भी हो जाए मैंने रोज़े ज़रूर रखने। गुलजार साहब ने पूछा कि इसका कोई अल्टरनेट है, तो उन्होंने कहा हाँ, अगर आपके हिस्से के कोई और रोज़े रख दें। तो सुना जाता है कि गुलजार साहब ने उनके हिस्से के रोज़े रखे। तो पिछले रमज़ान में मैं ये जुर्रत तो नहीं कर सकता था, दोस्त हैं मेरे लेकिन ज़ाहिर बुज़ुर्ग भी हैं,
तो मैंने यूं ही पूछा, मैंने कहा गुलजार साहब इन दिनों भी रोज़े रख रहे हैं? कहने लगे हजूर कुछ आदत सी पड़ गई है, 4-5 रोज़े तो ज़रूर रखता। एक और प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म के साथ साथ सरकने लगी। अच्छा, इजाज़त में जैसा कि आप जानते हैं रेखा का किरदार है मरकजी, सुधा वो बनी हुई है और नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो महिंदर हैं। इसका जो आखिरी हिस्सा है फिल्म का कि वो शख्स कुली के साथ सामान लेकर वेटिंग रूम से बाहर चला गया, ये शौहर है उनका, एक तेज़ झोंके की तरह आया वैसे ही निकल गया, पीछे पीछे सुधा भी जा रही थी, महेंद्र उनको जाते हुए देखता रहा, यानी नसीरुद्दीन शाह। सुधा रेखा जब दरवाजे पर पहुंची तो एक पल को रुक गई और मुड़ के महेंद्र को देखा, कुछ सोच के महेंद्र के पास आई और उसके करीब आके खड़ी हो गई। मैं चलूं? पिछली बार बिना पूछे चली गई थी, इस बार इजाज़त दे दो। ख़ासिम साहब, गुलजार का तذکرہ शायद नामुकम्मल रहे अगर हम उनके गुरुदेव जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर उनका जिक्र ना करें। टैगोर की वो मोहब्बत में मुब्तला और उनकी शायरी से भी मुतासर हुए और उन्होंने बहुत मेहनत से, मुशक्क़त से और एक तख्लीकी जो नौयत की होती है एक्टिविटी, उसको बुरुए कार लाकर टैगोर की नज़मों का बंगाली से बराह रास्त अंग्रेज़ी में भी तर्जमा किया और उर्दू में भी तर्जमा किया। मेरे नज़दीक जो मुकम्मल टैगोर का तर्जमा है वो सिर्फ गुलजार ने किया, ये मेरे पास किताब है, उनकी मेहरबानी उन्होंने मुझे भेजी थी। और टैगोर की शायरी का गुलजार पे बहुत असर है, उसकी मैं चंद लाइनें पढ़ देता हूँ टैगोर की ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और इसका नाम है निंदिया चोर, गुलजार ट्रांसलेट्स टैगोर। शाम को झांक के बांसों के जंगल में फिर सरगोशियां सुननी होंगी, जहां ये जुगनू रोशनी के कतरे बिखराते हैं, जो भी मिला उससे पूछना होगा निंदिया चोर कहां रहता है, जिसने मेरे बच्चे की आंखों से नींद चुराई है, हाथ लगे तो उसको पकड़ के सबक सिखाना चाहिए, उसका घोंसला लूट लूं मैं घर पता चले, चोरी की नींद कहां रखता है, लूट लूं और सब घर ले जाऊं, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, और बांध के दोनों पंख उसके और नदी किनारे रख दूं माछ पकड़ने को, हाथ में सरकंडा देकर कमल किनारे और बहते भंवरों के पास, शाम की बाजारी जब निपटे बच्चे माँ की गोद में लौटे, रात के सारे पंछी उसके कान मरोड़ेंगे, किसकी नींद चुराओगे अब, किसकी नींद चुराओगे। ये टैगोर है। और आप जानते हैं कि टैगोर ने एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटी कायम की, शांति निकेतन, उसमें हज़ारों तालिबे तालीम हासिल करते थे। ये भी आप जानते हैं कि भाई टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी एक किताब के तर्जमे पे। और ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारा, क्योंकि हज़रत अल्लामा इकबाल भी डिज़र्व करते थे तो टैगोर को क्यों दिया गया। शायद टैगोर के सिलसिले जो थे, रवाबत जो थे, वो यूरोप में ज़्यादा थे और उनका जो एक पर्सनैलिटी का ऑरा था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त पेंटर भी थे, शायर भी बहुत अच्छे थे, नसर भी अच्छी, गीतांजलि थी वो किताब जो अंग्रेज़ी में शाया की गई। और मैं तो मेरा मतलब मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन गीतांजलि ने मुझे कभी भी मुतासर नहीं किया, उनकी शायरी ने किया, उनके ओवरऑल जो एटीट्यूड है। एक हवाला टैगोर का बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे सिंध के एक दानिश्वर थे, बहुत महान दानिश्वर, कम्युनिस्ट थे बेसिकली, शोभो ज्ञान चंदियानी। मैंने उनसे मिला तो नहीं है लेकिन मैंने उनके लेक्चर सुने और मैं उनकी इंटेलेक्ट से बहुत मुतासर हुआ था, जिस तरह वो तजिया करते हैं पूरे समाज का। तो वो शांति निकेतन में पढ़े हुए हैं टैगोर से, उनका ये कहना है कि जब मैं गया शांति निकेतन में दाखिल हुआ एज ए स्टूडेंट,
अब ये पता नहीं 1930s की बात है कब, आप कैलकुलेट कर लें, बहुत अरसा पहले की बात है। तो गुरुदेव उनको कहते थे, तो गुरुदेव सिर्फ हफ्ते में दो मरतबा हमारी क्लास में आया करते थे, बाकी भी क्लासों को पढ़ाना होता था। तो एक रोज़ मैं वहाँ बैठा हुआ था, दर्जनों तालिब इल्म और भी थे, तो उन्होंने कहा तुम कहाँ से आए? तो मैंने कहा जी मैं लाड़काना से आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि लाड़काना कहाँ है? तो उन्होंने कहा हाँ, यू आर ए मैन फ्रॉम मोहनजोदारो, यानी टैगोर ने उनको मोहनजोदारो का शख्स करार दिया। तो उनका कहना है कि उसके बाद शांति निकेतन में किसी को उनका नाम नहीं मालूम था, जहाँ मैं जाता था तो लोग कहते थे कि दिस इज़ द मैन फ्रॉम मोहनजोदारो। अच्छा, एक और दिलचस्प हकीकत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि तीन ऐसे मुल्क हैं जिनके कौमी नगमे, नेशनल एंथम्स, वो तकरीबन टैगोर ने लिखी। हिंदुस्तान का नेशनल एंथम, बांग्लादेश का नेशनल एंथम और श्रीलंका का नेशनल एंथम जो शायद माथा कहलाता है, वो भी टैगोर से ही इंस्पायर होकर लिखा गया और उसका हवाला दिया गया बाकायदा। ये महज मेरा अंदाज़ा है कि गुलजार ना सिर्फ टैगोर की शायरी से मुतासर थे बल्कि टैगोर की कहानियाँ बहुत अच्छी लिखते थे। टैगोर तो उनकी एक बहुत मशहूर कहानी है चोखर बाली। अच्छा, चोखर बाली में जो खातून है राधिका आप्टे, बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है और उनमें तमाम तर वो जादूगरी है जो बंगाल के हुस्न में होती है, ख़ास तौर पर आँखें। तो वो फिल्म भी एक रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और वहाँ भी ये है कि एक शख्स जो है कलकत्ते जा रहा है और बारिश ज़्यादा हो रही है, तो ड्राइवर को कहता है कि हम नहीं पहुँच पाएंगे तो मुझे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ले जाओ। तो रेलवे स्टेशन जाता है, वेटिंग रूम जाता है और वहाँ नीम तारीकी है, वहाँ पे एक खातून बैठी हुई है और वो लालटेन जलाने की कोशिश कर रही है, उससे जल नहीं रही। तो ये शख्स जब आता है तो वो उससे कहती है कि आपके पास दिया सलाई होगी? वो कहता हाँ। वो दिया सलाई से जब लालटेन जलाती है, रोशनी फैलती है, तो वो जान जाती है कि वो उसका पुराना महबूब है जो उसे छोड़ के चला गया था 6-10 साल पहले, और वो भी उसको पहचान लेता है और वो वहाँ पे उस वेटिंग रूम में बैठ के बातें करते हैं। याद रहे कि इजाज़त में भी ऐसा होता है, इजाज़त में भी बारिश थी, इसमें चोखर बाली में भी बारिश है और स्टेशन। ये बड़ी कमाल की फिल्म है। उसमें जो एक फैसिनेटिंग एलिमेंट है वो इसका थीम सॉन्ग बंगाली में भी, बंगाली में जाहिर है, और हमें तो अपना रावण घोष मतलब वो याद आने लगता, बुरी तरह याद है। जो मौसीकी वो तरतीब देता था जिसमें बंगाल की जो वो ठहराव था, जो कश्तियों की रवानी थी और वो जो समंदर जैसे दरिया हैं उनका रोब और जलाल था और वो जो नारियल की मिठास थी, वो सब कुछ हमारे अपने घोष में था और वही तमाम तर खूबसूरती हमें इस गाने में नज़र आती। लेकिन ये पेश करने से पहले, क्योंकि बंगाली में है, मैं चाहता हूँ कि एक दो इसके हिस्से मैं उर्दू में आपके सामने पेश कर दूँ। वो अभी मैंने तर्जमा किए हैं, बराह रास्त कोई ऐसा मुकफ़ा और मुसज्जा तर्जमा नहीं है। और वो है कि वो सब जो मेरा दिल चाहता है, टैगोर की पोइट्री, वो सब जो मेरा दिल चाहता है तुम ही तो हो, बस तुम ही हो, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरे पास और क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हाँ, अगर तुम किसी और से मोहब्बत में मुब्तला हो, अगर तुम कभी मेरे पास वापस नहीं आती, तो फिर जो भी तुम्हारी तमन्ना है वही पूरी हो और जितने तुम्हारे दुख हैं वो सब मेरे हो जाएं। इंजन आहिस्ता हो रहा है और गाड़ी रुक रही है। सफर फिर से जारी। अच्छा, पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिनमें ट्रेन का बहुत अहम किरदार था, प्लेटफॉर्म का था, और उनकी तफसील मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन एक गाना मेरे जहन में आता है, बड़े कमाल के बुलंद आहंग गुलूकार थे मसूद राना,
उनका एक गाना है कि टांगा लाहौर दा होवे पावे चंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा। अच्छा, इस गाने में जो तफसील है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो ट्रेन की है। यानी वो स्टेशन पे जाता है और वो ट्रेन को देखकर वो टांगे वाला क्या सोचता है। ज़रा आप ये गाना मुलाहिज़ा फरमाइए और देखिए कि कितने अफेक्टिव अंदाज में इस गाने में ट्रेन को पेश किया गया। अच्छा, ट्रेनों के हवाले से अपने खित्ते से बाहर निकलते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। बाहर भी ट्रेनों का सफ़र जो है, वो चाहे फ्रेंच फिल्में हों, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे हॉलीवुड की फिल्में हों, वहाँ बहुत सारी फिल्में ट्रेनों के हवाले से बनी। और उनमें दी ट्रेन एक फिल्म थी, उसके बाद रायन एक्सप्रेस थी, इस तरह दर्जनों में नाम गिनवा सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल म्यूज़िक की बात करते हैं, तो म्यूज़िक में कहा जाता है कि तीन ऐसे नगमे हैं जिन पर आज भी लोग वजद में आ जाते हैं और रक्स करते हैं, और मैं उनका गवाह भी हूँ। एक तो है स्टेइंग अलाइव। अब जाके देखिए, दर्जनों क्लिप्स हैं स्टेइंग अलाइव के, जिनमें, क्योंकि उसमें एक ख़ास रिदम है। जिस तरह जेरूशलम एक आया था गाना, आपको याद है, उसकी रिदम में भी बहुत हुआ, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो गए। जो प्रोमिनेंट रहे उसमें ये था स्टेइंग अलाइव, एबाज का, स्वीडिश ग्रुप। दूसरा था बिली जीन, माइकल जैक्सन का, वो भी मतलब उसकी रिदम जो है लाजवाब है। और तीसरा जो है वो है बॉनी एम का, वन वे टिकट टू द ब्लूज। अच्छा, मैं गवाह हूँ इस बात का कि वियतनाम में मैं था, हैनोई में दरमियान में एक लेक थी बहुत बड़ी, और वहाँ सुबह सवेरे हम सैर को जाते थे, और वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स ख़वातीन के वर्जिश कर रहे होते थे। उनकी ख़ास वर्जिश का तरीका था, और म्यूज़िक के साथ कर रहे थे। यानी बहुत नस्तालीक किस्म की ख़वातीन जो थी, वो ऑपरा म्यूज़िक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही। तो जो ज़रा यंग थी, वो वन वे टिकट टू द ब्लूज़ पे, बॉनी एम के गाने में, और इसमें ट्रेन है, इसलिए वन वे टिकट लिया हुआ है। और इसके जो बोल हैं कि वन वे टिकट टू द ब्लूज़, छू छू ट्रेन टकिंग डाउन ट्रैक, गॉट टू ट्रेवल ऑन इट, नेवर कमिंग बैक, गॉट ए वन वे टिकट टू द ब्लूज़, बॉनी एम।